नेताजी वोट मांगने के लिए एक गांव में सभा कर रहे हैं, लेकिन यह क्या हो गया, देखते ही देखते यहां बैठे लोग अचानक से गायब हो गए और यह लोग जो बचे हैं उन्होंने दरिया क्यों ओढ़ ली है। चलिए अब हम आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। पच्चीस नवंबर को मतदान होने वाला है, इससे पहले प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करते हुए वोटरों को रिझाने के प्रयास में जुटे हैं। दरअसल डूंगरपुर जिले में बीजेपी प्रत्याशी की प्रचार सभा में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने दूर से मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर फेंक दिए। सुशील कटारा ने कहा है जिस स्थान पर हमारी सभा हो रही थी वहां पर कुछ विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने दूर से मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर फेंके जिससे मधुमक्खियां छिड़ गई और हम पर हमला कर दिया, जिसके बाद हम सब ने अपना अपना बचाव किया। इस तरह की घटिया राजनीति को हमने कभी नहीं होते देखा। उन्होंने कहा है कि मधुमक्खियों का कोई दोष नहीं, दोष उन लोगों का है जिन्होंने पत्थर मारकर उनको उड़ाया। मधुमक्खियों के हमले के बाद भाजपा प्रत्याशी और लोगों ने दरी पट्टी के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भाजपा प्रत्याशी कटारा ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारकर उड़ाने का आरोप लगाया है।